मॉर्निंग गाइज, और आज है फ्राइडे और आज मैं आपके साथ एक डेली ब्लॉग शेयर करूंगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऑनेस्टली डेली ब्लॉग शेयर करना, बट कैमरा लेके दिन भर साथ में घूमना इट्स आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन और होता नहीं है मेरे से ऐसे, तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। एनीवेज, आज बहुत दिन के बाद एक फिर से डेली ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगी और अभी बजा है 9 और काफ़ी लेट हो गया मुझे उठते उठते। आई जस्ट ब्रश माई टीथ एंड थोड़ा सा जो स्किन केयर रूटीन होता है उसको मैंने फॉलो किया है, जैसे मैं एवरी डे करती हूँ। फेस को क्लीन करना, उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि आप घर में रहो या बाहर जाओ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाई करना चाहिए। तो सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ मैं, और अभी तक मैंने मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लिया है तो अभी मैं वो लूँगी। एंड गाइस, आज कुछ मैंने प्लान भी किया है, आज का पूरा दिन देखते हैं कैसा जाता है। और मैं शायद बाहर जाऊंगी, क्योंकि शायद इसलिए बोल रही हूँ, प्लान तो था बाहर जाने का, बट सडनली वेदर इतना ख़राब हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया है और ऐसे बाहर जाना पता नहीं क्या होगा। मॉर्निंग में उठने के बाद एवरी डे मैं मेरे बेड को क्लीन करती हूँ, उसके साथ रूम को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ। हम लोगों में एक टेंडेंसी होता है, रूम में अगर कुछ चेयर या फिर सोफ़ा रहे ना, उसके ऊपर हम लोग कपड़ा जमा करते ही जाते। अभी वो चेयर को मैंने क्लीन कर दिया है, तो रूम को मैंने क्लीन करने के बाद मैं ब्रश करती हूँ और उसके बाद जो मॉर्निंग रूटीन है उसको फॉलो करती हूँ, स्किन केयर। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में मेरा मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए, और ये बहुत सिंपल सा एक ड्रिंक है। इसके लिए मैं लेती हूँ एप्पल सिडर विनेगर, उसके साथ ऑर्गेनिक हनी और फिर सिनेमन ऐड किया है मैंने आज, पर सिनेमन रोज़ मैं ऐड नहीं करती हूँ, ये ऑप्शनल है, हफ्ते में 2 या 3 दिन। और जिस दिन मैं सिनेमन इसमें ऐड नहीं करती हूँ उस दिन मैं लेमन ऐड करती हूँ। उसके साथ हॉट वाटर, पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने इसके साथ नॉर्मल वाटर ऐड किया है। और ये ड्रिंक लेने के आधा घंटे बाद मैं मेरा ब्रेकफास्ट लेती हूँ। और अभी जिसे आप देख रहे हो, ये बिन बुलाए मेहमान मेरे घर में हमेशा आते रहते हैं, मगर मैं इसे ज़्यादा बुलाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक डॉगी भी है, लीज़ा, और लीज़ा बहुत गुस्सा हो जाती है इसे देख के। एंड नाउ लेट्स गो टू माई बेडरूम एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। ओके, ही इज़ बिजी विथ हिज ऑनलाइन क्लास, so guys I will come back within half an hour. Yes, on the chair. Okay, so चलो अब जाके ख़त्म हुआ है इसका ऑनलाइन क्लास, और अभी मैं कुछ खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत ज़ोर का भूख लग गया है। ही इज़ बिजी विथ हिज ड्राइंग एंड आई एम फिर से इन द किचन टू मेक माई ब्रेकफास्ट। और आज कुछ भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैं इंस्टेंट पोहा बना रही हूँ और उसके साथ मैं ले रही हूँ फ्रूट केक। सो माई ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड इट्स माई इंस्टेंट पोहा एंड इट्स फ्रूट केक। इसको मैंने लाई थी स्पेंसर से, थोड़ा सा गर्म कर लिया इसको। और ये है कर्ड, आई नो थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट आज यही अवेलेबल था तो या। और इसके साथ मैं चाय भी लूँगी। और ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम, फेसबुक चेक कर लेती हूँ, मैसेजेस देख लेती हूँ। तो मैंने अभी ये पार्सल रिसीव किया है अमेज़न से, और मुझे पता है इसमें क्या है, बट अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं अमेज़न होम डेकोर हॉल पार्ट 2 बहुत जल्दी वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो उसमें आप देख लेना इसमें मैंने क्या रिसीव किया है। तो अभी इसको रख देती हूँ, अभी मैं खोल के भी नहीं देखूंगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे आज निकलना है। अभी बहुत सारा सामान इधर उधर बिखर के पड़ा है। सो मैंने भी नहा लिया है और अभी रेडी होने जा रही हूँ मैं, तो हाफ एन आवर में मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद निकलना है। मेरा 2 बजे निकलने का प्लान था, बट क्या हुआ, कल शूट करने के लिए बैठी थी तो मैंने देखा कि रिंग लाइट ऑन हो रहा है, पता नहीं उसका एडेप्टर का प्रॉब्लम है या फिर लाइट का कुछ प्रॉब्लम है। और वो लाइट मैंने परचेस किया था मेट्रो गली से, अगर आप कलकत्ता से हो तो शायद आपको पता है मेट्रो गली कहाँ पे है। वहाँ पे एक्चुअली कैमरा का सारी चीज़, कैमरा भी मिलता है, लाइट्स वगैरह सारे सामान बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है, सो मैं वहीं से ही परचेस करती हूँ। तो कैमरा का भी मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मेरा जो कैनन DSLR कैमरा है उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, और उसके साथ रिंग लाइट का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं कैमरा भी दिखा दूँगी और लाइट को भी दिखा देंगे, तो इसीलिए थोड़ा पहले निकलने का प्लान किया है। 2 बजे का प्लान था, मैं साढ़े 12 या हो जाएगा शायद 12:30 बजे तक निकल जाऊँगी। अभी तो 11:30 ही बजे है। तो चलिए अभी फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है और बाहर जा रही हूँ, बहुत गर्मी भी है। तो हेयर को थोड़ा सा टाइट करके एक पॉनीटेल कर लेते हैं और इससे गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और सबसे पहले मैंने फेस में अप्लाई किया है टोनर एंड इट्स फ्रॉम अलोमा मैजिक रोज हिप स्किन टोनर। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया है एक मॉइस्चराइज़र और ये है क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र। और फिर मैंने अप्लाई किया है लाश SPF 40 सनस्क्रीन। आईब्राउ ठीक करने के लिए हमेशा से जो मैं यूज़ करती हूँ वेट एंड वाइल्ड आईब्राउ पेंसिल, वही सेम पेंसिल यूज़ किया है मैंने आज। और कुछ भी फाउंडेशन आज मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसके बदले में मैंने आज यूज़ किया है मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर। मेकअप कंप्लीट हो गया है मेरा और थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई करूँगी और लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक मैं महर अप्लाई करूँगी, मैन महर है, वेरी पॉपुलर लिपस्टिक है। अगर कुछ भी ना हो, समझ में ना आए, तो मैं यही न्यूड शेड अप्लाई कर लेती हूँ। शेड को थोड़ा डार्क करने के लिए और एक लिपस्टिक यूज़ किया है एंड इट्स फ्रॉम गॉश एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम लिपस्टिक फॉर द ब्लश। रेडी हो गई हूँ और अभी मास्क बस बाकी है। चुकी हूँ और स्टेशन इतना खाली है, बाय द वे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ लॉकडाउन के बाद। चालू करना है मैम, दुपट्टा भी भागा है। तो जो काम लेके मैं आज न्यू मार्केट आई थी, जो भी मैंने प्लान किया था ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है, बस एक ही काम बाकी था। मुझे टेलर के पास भी आना था आज। मैं जब कॉलेज में थी तभी से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मुझे कुछ भी बनाना हो मैं यही टेलर के पास आती हूँ। ये हॉक मार्केट के अंदर है और मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा दूर है मेरे घर से, मगर मैं जो भी डिज़ाइन देती हूँ मुझे एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन ही मिलता है। और अभी जो देख रहे हो ये विक्टोरिया है और कभी टाइम मिले फुर्सत से मैं आपको विक्टोरिया दिखाऊंगी। और ये है मेरा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और रात में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हेलो वंस अगेन एंड इट्स 9:30। मुझे घर पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गया था, 8:30 8:15 हो गया था। देन आई टुक बाथ विथ हॉट वाटर, क्योंकि कोविड की वजह से जब भी बाहर जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तब नहा लेना चाहिए हॉट वाटर से, तो मैंने वही किया। एंड आई ऑल्सो हैड टी, क्योंकि मुझे सर दर्द भी हो रहा था। हो सकता है मैं बहुत दिन के बाद बाहर गई थी, इतना दूर गई थी, इसीलिए मम्मी ने चाय बना के रखी थी और मैंने चाय पिया और उसके साथ थोड़ा सा सैंडविच लिया था एंड That's all। और बस यही करते करते 1 घंटा हो गया। थोड़ा सा गपशप किया घर वालों के साथ एंड आई हैड अ ग्रेट डे। या बहुत दिन के बाद आज प्लैनेट गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस प्लैनेट एक ऐसा जगह है मुझे जाना सच में बहुत पसंद है। अगर आप कैलकाटा से हो तो शायद आपको भी पसंद हो प्लैनेट जाना। अगर आप कैलकाटा में आओगे कभी भी, इस प्लैनेट मिस मत करना, ज़रूर एक बार जाना, आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसा जगह है, वहाँ पे हर तरह का चीज़ आपको मिल जाएगा। आज का दिन बहुत अच्छे से मैंने स्पेंड किया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आगे वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत एक्साइटिंग सा न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ एंड थैंक्स टू यू गाइज, आपके बिना वो पॉसिबल नहीं था। बट आज मैं नहीं बताऊंगी, शायद आप थोड़ा सा गेस कर पा रहे हो अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करते हो, बट आज वो मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो मैं शेयर करूंगी एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आगे भी इस तरीके का व्लॉग देखना चाहते हो प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डाल देती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक गॉड आज मैं मेरा आउटरो एक ही दिन में सेम डे में शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं भूल जाती हूँ। सो या दैट्स ऑल, आई लव यू गाइज सो मच, सी यू सून विद अ न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।